पढ़ेंगे। ओके okay. उसमें ब्लॉक वन जो है वो सॉल्यूशंस एंड फेस इक्विलिब्रियम है, तो हम सॉल्यूशंस में यूनिट वन और यूनिट टू में सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन टू पढ़ेंगे, फिर यूनिट थ्री यूनिट फोर फेस इक्विलिब्रियम वन इन टू। तो आज हम सॉल्यूशन वन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके okay? सोल्यूशन वन में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सोल्यूशन होता क्या है, टाइप्स देखेंगे, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मोड्स क्या हैं ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे तीन टाइप्स के सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, राउल्स लॉ, उसका डेविएशन, आइडल सोल्यूशन, नॉन आइडल सोल्यूशन, और फिर हम वेपर प्रेशर देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद बस इतना ही होगा सोल्यूशन वन में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन होता क्या है? तो अगर हम बोलते हैं कि सॉल्ट और वाटर को हमने मिक्स किया तो डेट इज अ सोल्यूशन, बट सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं तो डेट इज नॉट अ सोल्यूशन। क्यों? तो सोल्यूशन सोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर होता है मीन्स थ्रू आउट द सोल्यूशन कंपोजिशन जो होगा, प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होगी। ओके okay? तो जब हम बोलते हैं कि सोल्यूशन होता क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है होमोजीनियस मिक्सचर है ये। ओके okay? किसका? टू और मोर सब्सटेंस का। द कंपोजिशन ऑफ विच मे वेरी, कंपोजिशन वेरी कर सकता है बट जो सोल्यूशन होगा वो थ्रू आउट हमने जब हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट दिखेगा, सेम दिखेगा, प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होंगी। ऐसा नहीं कि सैंड अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, दैट इज अ मिक्सचर। जब भी आप सोल्यूशन को डिफाइन करोगे ये टर्म आपको बोलना बहुत जरूरी है। ओके okay? तो सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट इज द सब्सटेंस जो चीज डिजोल्व है, और सॉल्वेंट जिस चीज में डिजोल्व है। तो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा प्रपोर्शन में होता है, रिमेम्बर दैट। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी और प्रपोर्शन इज द सॉल्वेंट, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रपोर्शन इज द सॉल्यूट। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कितने कॉम्पोनेंट्स उसमें हैं। अगर दो हैं तो बाइनरी, तीन है तो टर्नरी, चार है तो क्वार्टरनरी। ये सॉल्यूशन के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर नाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज। अब अगर हमें सोल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना है कि कितना सॉल्यूट है, कितने अमाउंट में है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है। सबसे पहले मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन और बहुत सारे। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जनरली इंक्रीजेस विथ, ये सब हम आगे देखेंगे। आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, अ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये सिर्फ तीन, ओके, रिमेम्बर दैट। फिर डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट अ सॉल्यूशन मे बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स एज शोन इन द टेबल। आज हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देख लें, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। अगर किसी सब्सटेंस को हमने पानी में मिलाया तो वो एक्वस सोल्यूशन होगा। वाइल सोल्यूशंस इन अदर सॉल्वेंट्स, अगर वाटर के जगह कोई और सॉल्वेंट है तो वो नॉन एक्वस है। क्यों? क्योंकि वाटर नहीं है। ओके okay? सोल्यूशन ऑफ मर्करी इन मेटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरकरी को हमने किसी मेटल के साथ मिलाया तो वो अमलगम होता है।
सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम, मतलब मरकरी और जिंक, मरकरी और सोडियम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए एमलगमेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर सोडियम एमलगम इज अ मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट, तो प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। ओके, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम देखते हैं। अगर गैस में गैस मिक्स है, गैस सॉल्यूट है और गैस सॉल्वेंट है, दोनों सेम है, तो मिक्सचर ऑफ गैस बनता है जिसको कि हम एयर कहते हैं। गैस अगर लिक्विड में मिक्स है, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, उसमें कंप्रेस करके गैस को फिल किया जाता है, तो गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, क्योंकि लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है। ओके, गैस को अगर हम सॉलिड सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? कैटलिस्ट बनते हैं, गैस एब्जॉर्ब बाय द मेटल्स, जैसे हाइड्रोजन कैटलिस्ट इन पैलेडियम, तो हाइड्रोजन पैलेडियम में एब्जॉर्ब है, ठीक है, एब्जॉर्ब है। लिक्विड अगर गैस में है तो मॉइस्ट एयर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। ओके, लिक्विड लिक्विड में है तो एल्कोहल, लिक्विड सॉलिड में है तो अभी हमने पढ़ा जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम। सॉलिड अगर गैस में, कपूर जो होता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस। ओके, फिर सॉलिड अगर लिक्विड में है तो सॉल्ट एंड वाटर, जैसे मैंने बताया था अभी। सॉलिड सॉलिड में है तो एलॉयज बनते हैं। ओके, अब एक ये क्वेश्चन आया है यहाँ पर, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो अगर हम ये देखते हैं, सोडियम अमलगम या सोडा वाटर या 5 रुपी कॉइन किस टाइप का सोल्यूशन है? गौरव किस ईयर के हो आप? गौरव तो सोडियम अमेलगम तो हमने देख लिया कि लिक्विड सॉलिड में होता है तो अमेलगम बनता है, सोडा वाटर लिक्विड गैस इन लिक्विड वाला एग्जांपल हो गया सोल्यूशन का, और ये सॉलिड इन सॉलिड हो गया। ओके, अब अगर हम देखें कि कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के क्या क्या वेज है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसी सोल्यूशन में कोई चीज कितनी मिक्स है। ओके, तो अगर सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पर देखना है, किसमें? इन अ सॉल्वेंट। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है मोलैरिटी। तो अगर हम मोलैरिटी को देखें कि मोलैरिटी कितनी है, अगर हमने एक सोल्यूशन रख दिया, ये बोला कितने मोलर का है, तो हम कैसे निकालते हैं उसे? टाइट्रेशन के थ्रू, है ना। तो मोलैरिटी होती क्या है? तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मान लो सॉल्ट है, वाटर में डिजोल्व है, ठीक है, तो सॉल्ट के कितने मोल्स हैं जो कि वाटर में डिजोल्व है? कितने वाटर में? 1 लीटर ऑफ, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर में हम देखेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि उसकी मोलैरिटी कितनी है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। और अगर हम ये बोलें कि व्हेन 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन जो है 0.1 मोलर का है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हुई? 1 मोलर, ठीक है, क्योंकि उसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि या तो आप इसको 1 लीटर में रखोगे वॉल्यूम को, या तो ml में लिखोगे, तो यहाँ 1000 ml लिखोगे, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, वरना जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कैसा है कि अगर हम ये देखें तो यहाँ पे 1 लीटर है, अगर हमें इसे किस में करना है, ml में करना है, तो 1000 ऊपर आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द मोलैरिटी। नोट दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब, दीज आर इक्विवेलेंट। ओके, तो ये मोलैरिटी हुई।
अगर हम देखें मोलैलिटी, अब ये दूसरा टर्म है मोलैलिटी, तो यहाँ पे इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन सेम रहेगी, क्या चेंज हो जाएगा, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे 1 लीटर में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट था, यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा मोलैलिटी। व्हेन ऑन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन उसको हम 1 मोलल कहेंगे, जैसे हमने ऊपर कहा था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, तो जब हम किसी ड्रम टाइट्रेशन करते हैं तो हमें आता है कि फाइंड डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्वेंट, और उसी टाइम बोलते हैं स्ट्रेंथ भी निकालो। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू द मोलैरिटी, ठीक है। तो यही लिखा है, डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना मास है, कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो कितने लीटर में प्रेजेंट है, तो ये मोलैरिटी हो गई हमारी, इनटू मास कर देंगे मोलर मास, जिसका भी हमें निकालना है, तो हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। मोलैरिटी मोलैलिटी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी, ये तीसरा वे है जिससे कि हम कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशन का। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ये चीज मैं आपको कल बताऊंगी, ये थोड़ा सा वास्ट है, इसको छोड़ के हम मोल फ्रैक्शन पहले पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। अब अगर नमक पानी में घुला है तो नमक के कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट उस पानी में है, तो पानी मतलब कि सॉल्यूशन में कितने हैं, तो सॉल्यूशन में दोनों चीजें हैं, नमक भी है पानी भी है। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोलते हो तो नीचे सॉल्यूट के भी मोल्स ऐड होंगे, सॉल्वेंट के भी मोल्स ऐड होंगे, ओके। इसलिए अगर हम देखें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसका भी निकालना है उसको आपको ऊपर रखना है। सॉल्यूट का निकालोगे सॉल्यूट की वैल्यू ऊपर रखोगे, सॉल्वेंट का निकालोगे सॉल्वेंट की वैल्यू ऊपर रखोगे, ठीक है, और दोनों को ऐड करके नीचे रखोगे। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। अब देखते हैं परसेंटेज, हमने बोला ये 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का है, 10% वेट बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन है, 10% वॉल्यूम बाय वेट का है, तो क्या इसका मतलब होता है। वॉल्यूम को तो हमें पता है हम ML, L इन सब में एक्सप्रेस करते हैं, वेट को किसमें, किलोग्राम ग्राम्स इन सब में। तो अगर हमने बोला कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मे बी एक्सप्रेस्ड इन 4 वेज, कौन कौन सा, अगर हमने बोला 10 ml अल्कोहल 100 ml में प्रेजेंट है, मतलब कि हमने 10 ml वे मेजर किया, उसको हमने 100 ml सॉल्यूशन में मिक्स किया, तो सिंस दोनों वॉल्यूम ले रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहेंगे, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है ये। अगर हमने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड वे किया लेबोरेटरी में और उसको 100 ml वाटर में मिक्स कर दिया, तो हम उसको बोलेंगे 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। अनीशा एंड सिमरन, सिमरन तो अभी ज्वाइन हुई है, अनीशा समझ आ रहा है, जी मैम, सेकेंड ईयर के हो आप, जी मैम, फिर अगर हमने यहाँ बोला 10 ml अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो ग्राम किसको एक्सप्रेस करता है, मास को, है ना, वेट को, तो वॉल्यूम बाय वेट है ये। 10% 10% क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अमाउंट 10 ले रहे हैं। अगर हमने बोल दिया 20 ग्राम 20 ml, तो हम यहाँ पे बोल देंगे 20%, ठीक है। सिमिलरली वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अनलेस स्पेसिफाइड
10% सॉल्यूशन में ऑलवेज बी टेकन एज वेट बाय वेट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 10% सॉल्यूशन है, इसकी आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी जो हमने यहाँ देखा था, कितने मोल्स, कितने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे, उसको क्या कंसिडर करोगे, 10% क्या, इन्हें तो ये कुछ पता ही नहीं वेट बाय वॉल्यूम है कि क्या है। तो आप हमेशा उसको वेट बाय वेट कंसिडर करोगे कि 10 ग्राम्स ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सल्यूशन, ठीक है, ये याद रखना। अब आता है पार्ट्स पर मिलियन, इसका शॉर्ट फॉर्म PPM है। अब जैसे हमने बोला एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, या एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन है, सी वाटर में कितनी ऑक्सीजन है, इन सबको हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि हम बहुत छोटे अमाउंट को यहाँ पे डिनोट करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन यूनिट का यूज करते हैं। ये सब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब वेज हैं कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की। ओके, तो जब सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, द कंसेंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमने बोला सी वाटर में 5.8 ग्राम्स है इन 106 ग्राम ऑफ सी वाटर। हमने सी वाटर लिया, उसमें हमें ये देखना है इतना सा सी वाटर है किसी बीकर में, इसमें हमें देखना है कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम कौन से यूनिट का यूज करेंगे, तो हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करेंगे। इट मीन्स 5.8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सी वाटर। 1 मिलियन इज 106 ग्राम्स। ओके, हेंस द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर इज 5.8 ppm, क्योंकि 5.8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसको हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेस विच पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जैसे कि मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में कितना पॉल्यूशन है, किस गैस, कौन सी गैस है, कितने अमाउंट में है, इन सब के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, 5.8 अपॉन 106 करेंगे इनटू 10^6 करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पार्ट्स पर मिलियन होगी। ये क्या लिखा है, ऑल कंसेंट्रेशन यूनिट्स एक्सेप्ट मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन एंड परसेंटेज वेरी विद टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQ में आ सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि यूजुअली ये पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे कंसेंट्रेशन यूनिट्स एक्सेप्ट मोल फ्रैक्शन को छोड़ के, पार्ट्स पर मिलियन और परसेंटेज को छोड़ के, चार चीजों को छोड़ के सारे जो कॉन्सेंट्रेशन हैं वो टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये मोलैरिटी इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है ये बताया है, इस क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे। आज इतना समझ आया, जितने 5 तरीके थे एक्सप्रेस करने के सॉल्यूशन के, अनीशा एंड सिमरन। यस मैम। सिमरन आपको आया? यस। इसके बाद हमें सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ना है, स्पेसिफिकली कि हमने सॉलिड लिया है उसको लिक्विड में मिक्स किया है, उसके बाद हमें गैस इन लिक्विड पढ़ना, और फिर हमें लास्ट का पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड, जो कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे एक ये क्वेश्चन, आप लोग पढ़ के आओगे, ये क्लास में सॉल्व करेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ओके,
मैसेज सर्कुलेट कर देना, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास 12:30 से रहेगी अब से, जिस जिसको भी ज्वाइन करना है वो कल से ज्वाइन कर ले, ठीक है? हाँ, जी मैम। और ये आज का जितना पढ़ाया है पढ़ के आना कल, छोटा सा रिवीजन और मैं पूछूंगी कि क्या फॉर्मूलेस थे, क्या मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, ठीक है? आज इतना ही पढ़ते हैं अपन। ओके, थैंक यू क्लास।